Namaskar Dawson. Okay guys, so in today's video we are going to be watching 10 top moments from Commonwealth Games that made India proud. So without wasting much time, let's go straight into this video. If you're new to this channel, you know what to do, subscribe. So in 3, 2, 1, let's go. कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद जब भारत का झंडा लहराए जन गण मन बजने लगा, तब साक्षी मलिक अपने आंसू रोक नहीं पाई। क्यों? आखिर ये एक मेडल ही तो है। भारत ने इन टोटल 61 मेडल्स जीते और 22 बार हमारा नेशनल एंथम बजा, यानी 22 गोल्ड मेडल्स भी जीते। आज हम 10 ऐसे गोल्डन मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो इस बात का प्रूफ है कि भारत में स्पोर्ट्स का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। एक्चुअली शुरू हो गया है। आपका टाइम काफी वैल्यूएबल है, इसलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, सो आई वुड हाईली रेकमेंड इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जो हमने मिस कर दिए। वेट, लेकिन हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? भारत का कॉमनवेल्थ में बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 में था, जब हमने 101 मेडल जीते और हम सेकंड पोजीशन पे आए। इस साल हमने सिर्फ 61 मेडल्स जीते हैं और हम फोर्थ पोजीशन पे आए हैं। इसमें प्राउड होने जैसा क्या ही है? वी हैव टू रिमेम्बर कि भारत शूटिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग है। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में भारत ने शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं और इस साल शूटिंग एज ए स्पोर्ट था ही नहीं, तो भारत को एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज था। स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है, सोचिए अगर स्विमिंग गेम ही ना हो तो ऑस्ट्रेलिया के भी ना जाने कितने मेडल्स कैंसिल हो जाते। भारत की सिचुएशन भी कुछ सिमिलर ही थी, लेकिन फिर भी इस बार अलग अलग स्पोर्ट्स में नए हीरोज हमारे सामने आए, एंड दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। नंबर 9, क्या आपने लॉन बॉल्स नाम की एक स्पोर्ट का नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन इस साल हमारी विमेंस टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर इस स्पोर्ट में गोल्ड लाया। लॉन बॉल्स एक काफी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल गेम है। एक छोटा बॉल होता है जिसे जैक या फिर किटी कहते हैं। आपको ये अश्योर करना होता है कि आपके टीम के बॉल्स आपके ओपोनेंट के मुकाबले इस जैक के नजदीक हो। देखने में लगता सिंपल है, लेकिन है नहीं। ये सोचकर ही काफी एक्साइटिंग लगता है कि जिस स्पोर्ट के बारे में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने कभी सुना ही नहीं था, ऐसे स्पोर्ट में इन एथलीट्स ने अपना करियर बनाने का सोचा और गोल्ड मेडल जीता भी। नंबर 8, क्या भारत 100% विन रिकॉर्ड रख सकता है? इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ है। इस साल हमने सबसे ज्यादा मेडल्स रेसलिंग में लाए। सबसे अमेजिंग बात यह है कि 12 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और सारे के सारे लोगों ने एटलीस्ट एक मेडल लाया। 12 out of 12, यानी 100% सक्सेस रेट। इसमें रेसलिंग की दुनिया के लेजेंड्स के साथ साथ कई नए नाम भी हमारे सामने आए। नंबर 7, हमारे पैरा एथलीट्स ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना कमाल दिखाया। हमने पैरा पावर लिफ्टिंग में भी अपना पहला मेडल जीता और वो भी सीधा गोल्ड। सुधीर ने हैवीवेट पावर लिफ्टिंग में कमाल दिखाया, इतना कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया। पैरालंपिक्स में हमने हमारे एथलीट्स का माइट देखा और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपना मार्क बनाया। नंबर 6, ट्रिपल जंप में भारत ने डबल मेडल जीते, एक गोल्ड और एक सिल्वर। एडोस पॉल ने भारत के लिए गोल्ड जीतकर हिस्ट्री बनाई, वेरैज अब्दुल्ला सिल्वर जीता। सिर्फ हमारे इंडियन जंपर्स ने ही 17 मीटर्स का मार्क क्रॉस किया। एथलेटिक्स का कोई भी इवेंट यूजुअली इंडियंस डोमिनेट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अफ्रीकन लोगों की तरह जेनेटिक एडवांटेज नहीं है और डेवलप्ड देशों की तरह वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन इस एडवर्स सिचुएशन में भी जब हमारे एथलीट्स मेडल लाते हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट डबल हो जाता है। नंबर 5, क्या एक टेलर वेट लिफ्टिंग में मेडल ला सकता है? यह है कहानी अचिंता की, जो बंगाल के देवलपुर से आते हैं। उनका घर कुछ ऐसा दिखता है। उनके पिता वैन चलाते थे जो 2013 में ही गुजर गए। फिर उनकी माँ ने एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट किया। पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अचिंता के बड़े भाई आलोक खुद वेट लिफ्टिंग करते थे, लेकिन घर की सिचुएशन देखकर वो समझ गए कि एक घर में दो दो एथलीट्स नहीं हो सकते, तो उन्होंने खुद की ड्रीम को पीछे छोड़ अपने छोटे भाई को कंटिन्यू करने के लिए कहा। हर दिन 12 घंटे वो तीनों एम्ब्रॉयडरी का काम करते और अगर हफ्ता अच्छा गुजरा तो उन्हें 1200 रुपए मिलते। लेकिन अचिंता के टैलेंट को देख उनके कोच ने उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। अचिंता ने अपना गोल्ड मेडल अपने बड़े भाई और अपने कोचेस को डेडिकेट किया। सक्सेस के बाद वो अपने रूट्स को नहीं भूले। सच में ये कितना इंस्पायरिंग है। नंबर 4, इस बार विमेंस टी20 क्रिकेट का कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू हुआ। क्रिकेट तो हम सब इंडियंस को पसंद है, लेकिन सिर्फ मेंस क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट को वो इज्जत नहीं। ये बात अब पुरानी हो चुकी है। 2017 के विमेंस वर्ल्ड कप के बाद हमारा विमेंस क्रिकेट की ओर देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया। ये बात इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में पक्की हो गई कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। विमेंस क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दो देश, अपनी कॉम्पिटिशन को पछाड़ देते हैं, लेकिन हमने इंग्लैंड को कन्विंसिंगली सेमीफाइनल्स में हराया और ऑस्ट्रेलिया को भी हराने वाले थे,
We came so close to gold. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेम डे पर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का भी T20 चल रहा था और सेम टाइम पे चल रहा था, लेकिन फिर भी ट्विटर पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड हो रहा था। That's the encouragement our athletes need. विनेश पोगाट ने इस बार गोल्ड जीतकर कॉमनवेल्थ गोल्ड्स में हैट्रिक कंप्लीट की। She is the first Indian woman to win 3 consecutive golds at Commonwealth Games. और उनका यह अचीवमेंट काफी स्पेशल है क्योंकि कुछ ही समय पहले वो टोक्यो ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल्स में हार गई थी और उन्होंने ये एडमिट किया कि शी वाज इन पुअर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इनफैक्ट वो रेसलिंग क्विट करने वाली थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस लो से कमबैक करकर गोल्ड मेडल जीतना एक काफी बड़ा स्टैंप है दैट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। द सेकंड एथलीट दैट वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के लेफ्ट एंकल पर इंजरी थी फिर भी वो भारत के लिए गोल्ड लाई। नंबर 2, कुछ लोग एक मेडल से कई बड़े होते हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी कहते हैं ये दिल मांगे मोर। इंडियन टेबल टेनिस स्टार शरद कमल उन्हीं में से एक है जिन्होंने एक नहीं भारत के लिए 4 मेडल जीते। लेट मी टेल यू, शरद 40 साल के हैं और वो इससे पहले भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2006 से लेकर आज तक उन्होंने हर कॉमनवेल्थ गेम्स में एटलीस्ट एक मेडल तो जीता ही, लेकिन इस साल उनका परफॉर्मेंस आज तक का सबसे बेस्ट रहा है। इस साल उन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीता। हम सोचते हैं कि एज के साथ एक एथलीट अपनी स्किल को खो देता, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और यंग प्लेयर्स ओल्डर प्लेयर्स से ज्यादा मेडल्स ला सकते हैं, लेकिन शरद कमल ने हमें गलत प्रूफ किया। एंड नंबर 1, स्टीपल चेस एक ऐसा स्पोर्ट है जहां हर साल कीनिया जीतता है। 1998 से लेकर 2018 तक ब्रॉन्ज से लेकर गोल्ड तक सारे मेडल्स कीनिया ने ही जीते हैं। लेकिन इस साल एक मिरेकल हुआ, अविनाश साबरे ने स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इस मेडल का इम्पोर्टेंस आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। हर साल इस स्पोर्ट पर कीनिया अपना नाम लिखता है, लेकिन अब भारत ने भी एक सरप्राइज एंट्री मारी है और प्रूव कर दिया है दैट इंडिया हैज अराइव्ड। हम जिस स्पोर्ट में एक्सपर्ट है उस स्पोर्ट में जीतना तो आम बात, लेकिन जिस स्पोर्ट में हम कभी नहीं जीते उस स्पोर्ट में भी गोल्ड जीतने के इतने करीब आना एक मिरेकल। ये हुई उन एथलीट्स की बात जो जीते, लेकिन हमने कुछ मेडल्स कॉन्ट्रोवर्सीज के वजह से भी खोए। वुमेन्स हॉकी के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पेनल्टी शॉट लिया जो हमारे गोलकीपर ने डिफेंड भी किया, लेकिन इस पेनल्टी के बाद पता चला कि टाइमर शुरू ही नहीं हुआ था। ये गलती किसकी, हमारे लड़कियों की तो नहीं। ऑस्ट्रेलिया को शॉट दोबारा लेना पड़ा एंड दिस टाइम दे मेड नो मिस्टेक। जो गोलकीपर ने सेव किया था उस पेनल्टी को कैंसिल करना और फिर से शॉट लेना ये हमारे प्लेयर्स के लिए काफी डिस्करेजिंग था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टालिया मैकग्रा कोविड पॉजिटिव थी लेकिन फिर भी उसे मैच खेलने दिया। कैप्टन हरमनप्रीत ने कहा कि उसे इस बात के बारे में पता था लेकिन डिसीजन लेना उसके हाथ में था ही नहीं। हमारे लॉन्ग जंपर श्रीशंकर का गोल्ड मिस हुआ क्योंकि उसका एक जंप फाउल माना गया। ये रूल्स हाल ही में चेंज हुए और कई लोग कहते हैं कि ये रूल्स प्रीवियसली वैलिड जंप्स को भी फाउल मानते हैं। में ये याद रखना जरूरी है कि जो पोडियम तक पहुंचते हैं और जो पोडियम बस कुछ ही दूरी से मिस कर जाते हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हार जीत तो लगी रहती है लेकिन हर एथलीट को हमारे एनकरेजमेंट की, हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है और ये इम्पोर्टेंट है कि ये सपोर्ट सिर्फ कॉमनवेल्थ के 10 दिनों तक सीमित ना रहे। आई नो कि 99% लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, लेकिन हमने ये वीडियो उन 99% लोगों के लिए बनाया ही नहीं, हमने ये आपके जैसे 1% लोगों के लिए बनाया जो इंडियन स्पोर्ट्स को न्यू हाइज पर देखना चाहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है देन आई वांट टू पर्सनली थैंक। दिस इज अ ब्यूटीफुल वीडियो गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल वीडियो, नाइस प्रेजेंटेशन। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो आई एम लकी सैम एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई एम आउट, पीस।